हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी पर लड़की छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा आज उनको जिंदा दिल इंसान बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और विधायक कपिल मिश्रा के कुछ ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कभी संघ पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी सीधे सीधे पीएम मोदी पर ही तीखी टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी खिंचाई भी की जा रही है। एक ट्वीट में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते वे पूछा था कि जसोदा बेन की घर वापसी कब होगी। एक ट्वीट में कपिल ने सवाल किया कि ना मस्जिद की बात हो ना शिवालों की बात हो, लोग भूखे हैं, पहले निवालों की बात हो। पत्रकार अभिसार शर्मा ने कपिल को फटकार लगाते हुए कहा है, बेहोश हो जाने वाले मिश्रा, तो मोदी जी की जितनी भी चाटुकारिता कर लो, तुम्हारे ये अपशब्द जनता कभी माफ नहीं करेगी, जिसमें तुमने उन पर लड़की की गुप्तचरी का गंदा आरोप विधानसभा में लगाया था। शर्मानी चाहिए तुम्हें अवसरवादी मिश्रा। बता दें कि कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में करवाल नगर से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर 1 करोड़ की घूस लेने का आरोप लगाया था, जिसे बाद में कोर्ट ने खारिज भी कर दिया था। मगर कपिल ये ट्वीट अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंबानी के लिए जिस HAL का मोदी ने अपमान किया, उसके बताए तेजस को UAE सिंगापुर ने किया सलाम। मोदी सरकार की नज़र में भले ही लड़ाकू विमान बनाने वाली सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड राफेल बनाने में सक्षम न हो, मगर अन्य देशों को HAL का काम पसंद आया है। यही वजह है कि जब UAE के रक्षा मंत्री भारत आए तो उन्होंने तेजस विमान में दिलचस्पी दिखाते हुए HAL के काम की तारीफ की और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की बात भी की। दरअसल बीते बुधवार UAE के रक्षा मंत्री मोहम्मद बिन अहमद अल बरवादी भारत में 2 दिन के दौरे पर आए हुए थे, जहां उन्होंने सबसे पहले बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जाकर वहां की सुविधाएं देखी और तेजस विमान लेने की अपनी दिलचस्पी दिखाई। भारत की तरफ से आधिकारिक बयान देते हुए कहा गया है कि वो भारत के रक्षा क्षेत्रों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण बनाने वाली कंपनी जैसे HAL और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के दौरे पर हैं, जिसके बाद वो बुधवार को वापस लौट जाएंगे। UAE के मंत्री ने बेंगलोर में HAL की सुविधाओं की जानकारी लेने के बाद कहा कि वो तेजस विमान में दिलचस्पी रखते हैं। यही नहीं, तेजस में दिलचस्पी श्रीलंका और इजिप्ट और सिंगापुर जैसे विकसित देश ने तेजस में दिलचस्पी दिखाई है, मगर HAL के लिए पहली प्राथमिकता है भारतीय वायुसेना, जिसने 123 तेजस विमान देने हैं, जिसमें अभी काफी वक्त लगेगा। गौरतलब है कि जब राफेल डील में HAL जैसी सरकारी कंपनी को निजी हाथों में देने के सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा था कि 126 राफेल डील पर UPA सरकार के दौरान अंतिम नतीजे पर इसलिए नहीं पहुंचा जा सका क्योंकि HAL के पास उन्हें बनाने के लिए पर्याप्त क्षमता का अभाव था। अब उसी HAL के कामों को दुनिया अहमियत दे रही है और लड़ाकू विमान तेजस में अपनी दिलचस्पी दिखा रही है, मगर रक्षा मंत्री ने एक झटके में HAL को राफेल बनाने के लिए नाकाबिल बता दिया था। राजस्थान के बाद अब गुजरात में BJP को लगा बड़ा झटका। शंकर सिंह वाघेला के बेटे ने छोड़ी पार्टी। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, मगर एक एक कर दिग्गज नेता BJP का साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहां BJP के दिग्गज नेता जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने BJP का साथ छोड़ा, कांग्रेस का हाथ थाम लिया, वहीं अब दूसरी तरफ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया, हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ने का कारण निजी बताया है। दरअसल महेंद्र सिंह वाघेला ने 3 महीने पहले BJP ज्वाइन की थी, उससे उनके पिता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी भी दी थी कि मैं महेंद्र को हफ्ते भर का वक्त और चेतावनी देता हूं कि वो बिना समर्थकों के BJP में शामिल हुए तो ये उनका स्वार्थ माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महेंद्र सिंह की क्षत्रिय समाज में अच्छी पकड़ बताई जाती है। महेंद्र को गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल और गुजरात BJP के अध्यक्ष जीतू वाघानी ही शामिल करवाया था।
बता दें कि महेंद्र से पहले कई और नेता ने भी लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलना शुरू कर दिया है। राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता मानवेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह वाघेला के इस्तीफे से राजनीतिक हलचल तेज हो चली है। अब देखना ये है कि चुनाव से पहले और कितने नेता दल बदल करते हैं, क्योंकि हाल ही गोवा कांग्रेस के दो विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर गोवा सरकार बचाने में काफी मदद की है। दशहरा पर हथियार पूजन में उन्मादी हुए आरएसएस कार्यकर्ता, पत्रकार को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। पूरे देश में विजयादशमी उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, मगर रंग में भंग तब पड़ता है जब कोई हादसा हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ जब यूपी के हथरस में आरएसएस के शस्त्र पूजन में अचानक फायरिंग से एक फोटो जर्नलिस्ट सहित दो लोगों को गोली लग गई और वो घायल हो गए, जिसके बाद अलीगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका अब इलाज चल रहा है। दरअसल मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता सब शामिल हुए थे। बीजेपी के कई नेता इतने खुश और उत्साहित हुए कि अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक गोली सुरक्षाकर्मी की बट से जा लगी। गोली लगने से बट में लगा जस्ता के करीब खड़े एक फोटो जर्नलिस्ट विनोद शर्मा के गले में फंस गई, जिसके बाद फोटोग्राफर खून से लथपथ हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल भर्ती कराया गया। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। वही वहां मौजूद कुछ लोगों का आरोप है कि फायरिंग विधायक ब्रजेश प्रजापति के बेटे रामलाल प्रजापति ने शुरू की थी। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के लिए आंदोलन कर रही तृप्ति देसाई गिरफ्तार, बोली आवाज दबा रहे हैं मोदी। मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश के लिए आंदोलनों से चर्चा में आई सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई को शुक्रवार तड़के पुणे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने शिरडी में समाधि शताब्दी कार्यक्रम में पीएम से न मिलने देने पर उनका काफिला रोकने की धमकी दी थी। देसाई ने गुरुवार को एसपी अहमदनगर को एक चिट्ठी लिखकर सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बातचीत करने की मांग की थी, लेकिन उनकी इस मांग को नहीं सुना गया, जिस पर उन्होंने पीएम मोदी के काफिले को रोकने की धमकी दी थी। दरअसल पीएम मोदी शुक्रवार को शिरडी में समाधि के शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होना था। पीएम के पुणे से शिरडी रवाना होने से पहले शुक्रवार को तड़के देसाई को सहकार नगर पुलिस ने एहतियातन हिरासत में ले लिया। बल प्रयोग के जरिए पुलिस की गाड़ी में डाली गई तृप्ति ने हिरासत में लिए जाने के बाद कहा कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने में जो तत्परता दिखाई है, वैसी तत्परता वो केरल में मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का विरोध करने वालों के खिलाफ नहीं दिखा रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विरोध करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमें हर घर पर रोका जा रहा है। ये मोदी जी की ओर से हमारी आवाज को दबाने का प्रयास है। बता दें कि सबरीमाला मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ा विरोध होने के बीच सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने बीते दिनों कहा था कि वो अभी भी मंदिर जाने के लिए दृढ़ है और सबरीमाला जाएंगी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।